और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एक और अहम खबर आपको बता दें, लैब टेक्नीशियन की हड़ताल खत्म, कल से काम पर लौटेंगे लैब टेक्नीशियंस। 13 में से 3 मांगों पर सहमति बन चुकी है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, 13 में से 3 मांगों पर सहमति बनी, लैब टेक्नीशियन की हड़ताल यहां पर खत्म हो चुकी है और 13 में से 3 मांगों पर सहमति बन चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे ग्रेंट पदनाम समेत 3 मांगों पर सहमति बनी, हड़ताल का आज था 27वां दिन, हड़ताल से जांच हो रही थी प्रभावित काफी ज्यादा, जिसके बाद सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं की जांचों पर पड़ा, और सबके बाद अब कुल 13 दिन यहां पर देखिए, इतने दिनों बाद जो है वो ये हड़ताल अब टेक्नीशियंस के द्वारा खत्म किया गया है और कल से अपने कामों पर लौट जाएंगे लैब टेक्नीशियंस। मांगे किस प्रकार से रही है वो हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे, और 13 में से 3 मांगे जो हैं उस पर सहमति बन गई है, हालांकि अन्य के लिए कमेटी गठित पर बिंदुवार तरीके से बातचीत होगी। ये हड़ताल का जो 27वां दिन था, कुल 27 दिन बाद जाकर के मांगों पर सहमति बनी और इसके बाद जाकर के लैब टेक्नीशियंस जो हैं उन्होंने अपना हड़ताल खत्म किया और अपने काम पर वापस लौटने के लिए वो मान चुके हैं। उनकी कुल मांगों की अगर बात की जाए तो 13 मांगों को लेकर के वो हड़ताल देते हुए नजर आ रहे थे और इन 13 मांगों में से 3 मांगों जो हैं वो मान ली गई है और कमेटी गठित करके बिंदुवार चर्चा बाकी मांगों पर होगी। लेकिन इस पूरे सिलसिले की अगर बात कर ली जाए, इस पूरे प्रदर्शन की बात कर ली जाए, तो इस पूरे प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा वो मरीजों को करना पड़ा, क्योंकि जांच बाधित हो रही थी, जांचों में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी और सबसे ज्यादा असर जांच ना होने की वजह से गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा था। और इस विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, देखिए टेक्नीशियंस जो हैं वो अब अपने अपने कामों की ओर लौट चले हैं और जिस तरह की समस्याएं मरीजों को उत्पन्न हुई, अब उन सभी समस्याओं पर पूर्ण विराम लगता नजर आएगा। देखिए ममता, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियन मध्य प्रदेश में लगातार हड़ताल पर थे, लगभग 1 महीना हो गया था, 27 दिन बीत चुके थे, 28वां दिन हड़ताल का था। इसी बीच लगातार बातचीत भी जारी थी, स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे आज मुलाकात मंत्रालय में हुई थी, जिसके बाद लैब टेक्नीशियंस ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। जो 13 सूत्रीय मांगे थी उनमें से 3 मांगे मान ली गई हैं और बाकी की मांगों पर अगली मीटिंग्स में विचार करने को कहा गया है। 3 प्रमुख मांगों में उनका वेतन बढ़ाने की मांग थी, वेतन विसंगतियां और प्रमोशन में जो विसंगतियां थी उसको दूर करने की मांग थी, और साथ ही पदनाम की मांग थी कि उनको लैब टेक्नीशियन ना कहा जाए बल्कि ग्रेड 2 ऑफिसर्स कहा जाए। और ये तमाम मांगों को जो था लगातार संघर्ष चल रहा था 27 दिन से आंदोलन पे, लगभग मध्य प्रदेश के 6000 अलग अलग लैब टेक्नीशियन थे जो तमाम सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे थे। अब मांगे मान ली गई हैं, 3 मांग मानने के जो आश्वासन है वो दिया गया है, जिसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। कल से तमाम अस्पतालों में जो लैब टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो एक्सरे करने वाले व्यक्ति हों या फिर दूसरी जांचें जो ओपीडी की हैं वो करने वाले व्यक्ति हों, ये तमाम लोग अब काम पर वापस कल से लौट आएंगे। बिल्कुल, इससे सबसे ज्यादा राहत हम मरीजों को मिलता नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मरीज परेशान हो रहे थे, ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपना प्रदर्शन जो उन्होंने खत्म किया, मांगे उनके द्वारा मानी गई। लेकिन ये 3 काफी अहम मांग रही है, खासतौर पर वेतन की बात जो यहाँ पर की गई है और पदनाम की बात जो की गई है, ये वो अहम मांगे थी ब्रजेश। इसके अलावा जो बाकी मांगे हैं उस पर चर्चा कब तक होगी, क्या उसके कोई आसार? देखिए, प्रमुख 3 मांगे थी, जैसा मैंने बताया कि वेतनमान, प्रमोशन और पदनाम, ये 3 मांगे प्रमुख थी जो मान ली गई हैं। ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही नियम बनाकर ये मांगे इनकी पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन बाकी की जो छोटी मोटी 10 मांगे थी, जैसे जो नौकरी के घंटे थे वो कम किए जाए, सुविधा दी जाए, जो छुट्टियों की तादाद है वो बढ़ाई जाए, इस तरीके की सुविधा मांगने वाली जो मांगे थी उन पर फिलहाल विचार नहीं हुआ है, अगली बैठकों में विचार करने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है 3 प्रमुख जो बड़ी मांगे थी वो मान ली गई, और यही वजह रही कि हड़ताल अब खत्म कर दी गई है। लगभग 27 दिन बाद अब काम पर अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन लौटने वाले हैं। बिल्कुल, और इससे सबसे ज्यादा राहत मरीजों को मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए ब्रजेश, और नजर बना के रखिएगा।